नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर के राजकीय नवीन विद्यालय में गांधी वाटिका हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रेहाना बानो ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण कर गांधी वाटिका का निर्माण किया जाना है। इसी के तहत स्थानीय विद्यालय में NSS के स्वयं सेवकों के सहयोग से वृक्षारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत 11 पौधे लगाकर की गई। इसके तहत कुल 151 पौधे लगाए गए। आज न्यू गवर्नमेंट स्कूल और NSS के विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिससे बताया जाता है कि जीवन वायु और शुद्धता से जिया जाता है। उसी तरह पौधे लगाकर सभी बच्चे ये प्रेरणा ले रहे हैं कि जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता रही, उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हर स्कूल हर बच्चे पौधे लगाकर इस वातावरण को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। मैं NSS के बच्चों को और यहाँ की प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि यहाँ पौधे लगाकर एक बच्चों को प्रेरणा स्वरूप कार्य करने का शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर इकाई द्वारा आज राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जोधपुर शहर की विधायिका श्रीमती मनीषा जी पंवार को और जनप्रतिनिधि डॉक्टर अयूब प्रोफेसर अयूब साहब को, गणपत सिंह जी को और अन्य जनप्रतिनिधियों को, छोटू उस्ताद जी को जो पार्षद हैं, और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने, संस्था प्रधान ने और सारे स्टाफ के आज ये संकल्प लिया है कि इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास आश्रय स्थल में संचालित खुशियों की दुकान का उद्घाटन किया। यहां से शहर के गरीब व बेसहारा व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बर्तन, जूते, खिलौने व स्टेशनरी आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान महापौर ने बाल बसेरा में रहने वाले बेसहारा बच्चों के साथ संवाद किया और उन्हें कपड़े आदि आवश्यक सामग्री वितरित की। इस दौरान वहाँ मौजूद गरीब महिलाओं को भी महापौर ने कपड़े व आवश्यक सामग्री वितरित की। जोधपुर में 82 दिन बाद मेहरानगढ़ म्यूजियम किले में शहनाई गूंजी। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में 17 अप्रैल को लगे लॉकडाउन से 82 दिन बाद मेहरानगढ़ म्यूजियम को पर्यटकों के लिए खोला गया। मेहरानगढ़ म्यूजियम व किले को राज्य सरकार द्वारा संग्रहालय को खोलने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसी के अनुरूप उसकी पालना करते हुए पर्यटकों को संग्रहालय में प्रवेश दिया जाएगा व निकट भविष्य में पर्यटन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ था उसमें मॉन्यूमेंट्स का भी लॉकडाउन था और उसके बाद में आज 82 डेज़ के बाद में किला विजिटर्स के लिए पुनः खोला जा रहा है और ये पर्यटन उद्योग के लिए एक बहुत अच्छी बात है और आने वाले यात्रियों के लिए भी एक सुखद अनुभव होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में विजिटर्स का मूवमेंट छुट्टियों की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से भी काफ़ी हो रहा है। तो गुजरात, हरियाणा, MP और इस तरफ के विजिटर्स काफ़ी आ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि दिन में करीब 300 से 400 विजिटर्स जो हैं वो किला देखेंगे। जो सुरक्षा है उसके संपूर्ण पैरामीटर्स देखे गए हैं। जयपुर क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्य में सरकार की लापरवाही नजर आ रही है। कई जगहों पर लोगों को पहली वैक्सीन लगवाए 90 दिन से अधिक हो गए हैं, जिसके बाद वे दूसरी डोज लगवाने के लिए एक सेंटर से दूसरे सेंटर में भटक रहे हैं। जिन सरकारी केंद्रों पर पहली डोज लग गई, अब वहां दूसरी डोज आए 20 से 25 दिन हो गए हैं। इस दौरान गोविंद देव जी मंदिर में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस शिविर में भी प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली। वैक्सीनेशन का कैंप पार्षदों द्वारा लगाया गया है और जिसमें शुरुआत से जो अव्यवस्था देखी गई थी कि रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी दिक्कत रही थी। मैं अनिल गोस्वामी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आया था और यहाँ पर जो अव्यवस्था देखी उसमें ये रजिस्ट्रेशन में बड़ी वो कर रहे थे पार्षद अपने घर पर आधार कार्ड से लेकर और रजिस्ट्रेशन कर रहा था और लोगों को कह रहा था कि बोले वैक्सीन सिर्फ 150 ही आई है, इससे ज़्यादा नहीं आई। ऐसा है कि यहाँ पर जो लाइन में लग रहे हैं करीब काफी लोग अधिक संख्या में हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि 50 लोगों को ही लगेगी, तो ये 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके बंद कर रहे थे। फिर बाद में जब कुछ लोगों ने बहस करी, आपका नाम गोस्वामी सर ने जब बहस करी, तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि अब चलो 100 यहाँ पे जो लाइन में खड़े हैं 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने पहले 100 लोगों का करा
फिर उसके बाद में कह रहे कि 150 डोज आइए तो 50 लोगों का कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हमने कहा कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंप लगता है, उसमें ऑनलाइन का कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो काफी बहसबाजी हुई, उसके बाद में इन लोगों ने करा है कि जो यहाँ पे मौजूद है उसका रजिस्ट्रेशन किया है। नंदमई में नगर पालिका के प्रतिनिधि मंडल ने पालिका अध्यक्ष हरवती सिंसिनवार के नेतृत्व में भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा को ज्ञापन सौंपा। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवदयाल गोयल व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र गर्ग सहित क्षेत्र के लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उमाकांत जिंदल व राजन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि सहायक अभियंता पप्पू सिंह ने पुलिस थाना नंदबई में उमाकांत व राजन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। नगरपालिका नंदबई में बीजेपी के 16 पार्षदों ने निर्माण कार्यों को करवाने व मीडिया के लोगों को विज्ञापनों के लिए दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गलत आरोप लगाए कि हमें धमकी दी गई है, कैसे मांगे जो मनगढ़ंत है। मेरे बेटा को ये किया कि हमें फोन करके बुलाया गया है, इसमें मेरे बेटा का कोई हाथ नहीं था, नहीं उनका था। वो विपक्षी है, वो उनको ज़बरदस्ती इस मोड़ पर लाए, ला के खड़ा कर दिया है, रोड बनाए, कांग्रेस का जबी से पीछे पड़े हुए हैं। समय पूर्व एक जो गतिविधि हमारे नगर पालिका में हो रही थी, और कोरोना के दौरान बाजार में दुकानें बंद थीं, कुछ लोगों ने दुकानें खोली जिनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की, और ये जो कार्रवाई द्वितीय पक्ष की है ये भी उसी का एक हिस्सा थी, जिसको राजनीतिक रंग देते हुए और उनको जो है एक अनर्गल आरोप ये चेयरमैन पुत्र और उन पर लगाए हैं, उसके बारे में ही हम IG साहब को मिलके और ज्ञापन दिया है कि इस पर कार्रवाई हो, जो सच है वो सामने आए। राजसमंद की मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में सांसद दिया कुमारी ने विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई की व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सांसद ने क्षेत्र की जनता को सेवा व विकास का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, सांसद दिया कुमारी ने रियाबड़ी तहसील की ग्राम पंचायत मूंगदड़ा को गोद लिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी के नेतृत्व में मेड़ता विधानसभा में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। नंदबई में विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने नंदबई नगर पालिका प्रांगण में कोरोना काल में COVID-19 से मृत्यु होने पर 3 परिवारजनों को सहायता राशि सौंपी। साथ ही विधायक अवाना ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। विधायक जोगेंद्र अवाना ने नगर पालिका परिसर में आयोजित समारोह के दौरान कोरोना में मौत होने पर 3 अलग अलग आश्रितों को प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृत सहायता राशि सौंपी। साथ ही विधायक ने आश्रित परिवारों को प्रदेश सरकार की विभिन्न से लाभान्वित करवाने का आश्वासन दिया। कोरोना में जिनकी जान चली गई, जिनकी मृत्यु हुई है और जिनका आश्रित कोई नहीं है, मैं समझता हूँ उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक बड़ी पहल की है कि जैसे जिस घर का मुखिया की डेथ हो जाए, उस मुखिया की जो विधवा है उसको 1 लाख रुपए की सहायता राशि, और उसके साथ साथ हमेशा जब तक वो जिएंगी, जब तक 1500 रुपए प्रत्येक माह के हिसाब से उनको जो है सहायता राशि देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। उसी कड़ी में आज 3 परिवारों को लोगों ने यहाँ चेक का वितरण किया, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लाभ जो बिल्कुल जो अपने बुजुर्ग जो घर के जो मुखिया थे उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड रहता था। खींवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नारवा खुर्द में ग्रामीणों की राह को सुगम बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों व राजस्व कर्मचारियों ने रास्ता खुलवाया। तहसीलदार रूगाराम सेन के निर्देशानुसार पुलिस जाप्ते ने नारवा खुर्द पहुंचकर खसरा नंबर 423 का सीमा ज्ञान करवाकर सीमा चिन्हित कर रास्ता खुलवाया। ग्राम पंचायत नारवा कला द्वारा JCB मशीन उपलब्ध करवाई गई, जिससे रास्ता खुलवाया गया। इस अवसर पर नारवा सरपंच सुंदर सियाग ने कहा कि रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी, रास्ता खुलवाने से ग्रामीणों की राहत मिलेगी। खींवसर उपखंड मुख्यालय सहित गांवों में लगातार डिस्कॉम टीम की ओर से अवैध नलकूपों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत डिस्कॉम की टीम ने डहरू गांव में अवैध नलकूपों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। डिस्कॉम टीम की कार्रवाई के चलते अवैध नलकूप संचालकों में अफरा तफरी मच गई। डिस्कॉम टीम ने डहरू से 4 अवैध ट्रांसफार्मर सीज किए हैं। टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 2.25 लाख का जुर्माना लगाया है। AN महेंद्र गोदारा ने बताया कि खींवसर क्षेत्र से करीब 60 अवैध ट्रांसफार्मर सीज किए गए हैं। वो विभागीय टीम द्वारा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा में भारत विकास परिषद ने कोरोना वॉरियर्स नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया। भारत विकास परिषद शाखा कपासन में भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के प्रथम दिन 65 लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ का मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द पीपल वॉइस।